प्राइमरी फोर स्टूडेंट्स, आज जो उनवान मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ और जो हमने आज अपने ऑनलाइन क्लास में उसको कंप्लीट किया है, वो है आपकी वो उनवान है आपकी किताब नरगिस और सफ़ा नंबर आपका है 74 यानी 74। इसमें मैं आपको बता रही हूँ आपको करनी है नसर निगारी। पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका तारुफ बता दूँ। जब हम नसर निगारी लिखते हैं तो हम इसको पैराग्राफ की शक्ल में लिखते हैं। इसमें आपको जो उनवान दिया गया है वो है कुछ अपने बारे में, और फिर उसके साथ फिर एक उन्होंने लाइन इस तरह से दी है, मैं डैश हूँ यानी मैं, उसके बाद में खाली जगह, आपको अपना नाम लिखना है और अपना तारुफ अपने बारे में। अच्छा, अब आपके अब से मैंने ये कहा कि देखें, हमें नसर निगारी जब करनी होती है और हमारे पास मजमून यानी उनवान आ चुका है मैं यानी कुछ अपने बारे में, आपने सबसे पहले अपना नाम लिखा, फिर आपने अपने बहन भाई, फिर मैं इस क्लास में, यानी मैंने कोई वाली बात की, यहाँ वही मजमून का ही फॉर्मेट आ गया जो कि हम आपसे पिछली क्लासेस में यानी पिछली यूनिट में हम आपसे शेयर कर चुके थे। इसमें आपने वही कहा, पहला पैराग्राफ में मैंने कहा था आपको कि और आपको बताया था कि अब हम क्या करते हैं, इसमें हम पहले अपने बारे में तारुफ, किसी भी हम उसको अनुमान का जो कर रहे थे उसका तारुफ करते हैं। जैसे हमने मैंने आपको बताया था हमारा पाकिस्तान, तो इसी तरह से हमने उसका तारुफ, तो आपने अपने तारुफ की जो मेन यानी जो इम्पोर्टेंट अहम बुनियादी नुकात जिससे आपकी शख्सियत के बारे में जो चीज़ें थी, सबसे पहले कि आपकी शनाख्त, कि मेरा नाम ये है, मेरे इतने भाई बहन हैं, मैं इस क्लास में पढ़ती हूँ और पढ़ता हूँ, उसके बाद अपनी अच्छी और बुरी आदत कि मुझे, उसके बाद फिर तीसरी में अपनी क्या, मुझे ये पसंद है, अपनी पसंद के हवाले से जब आप पसंद की बात करना चाहेंगे, आपको अपने बारे में बताना है तो आपको इस तरह से जामे अंदाज में लिखना है कि सबसे पहले आपकी अपनी जो एक ये कहने की पसंद में आपको कि मुझे ये कुतुब पसंद है, यानी किताबों का, जिसे कहते हैं कि कुछ लोगों को नवेसी पसंद होती है कि वो किताब नवेसी यानी वो अपनी कहानी नवेसी रीडिंग करते हैं, मुताला करते हैं, कुछ लोगों को जो है वो डिफरेंट नेट पे जो है वो अपने कार्टून और इस तरह की, मतलब एक हॉबी जो थोड़ी सी है वो आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा। उसके बाद आपकी पसंद नापसंद में आपके खाने जो होते हैं रोज़मर्रा की, वो चीज़ें आ गई। इसके अलावा आपके अपने दोस्तों के बारे में थोड़ा सा आ गया कि मेरी जो बेहतरीन दोस्त है, मेरी बेहतरीन साथी है, वो मेरी हम जमात भी है, यानी क्लास फेलो है, इसको क्लास फेलो को हम इस तरह से हम लिख देंगे, वो मेरी हम जमात है, या वो मेरी कज़न है, यानी फुप्पीजाद तायाजाद इस तरह से बहन है, इस तरह से कर लिया आपने। और आखिरी का जो पैराग्राफ होता है, मैंने फिर उसमें आपको बताया था कि इसमें हम अपना एक अज़म लिखते हैं कि मेरी ये कोशिश है, अपनी राय भी देते हैं और अपना एक अज़म लिखते हैं कि मेरी कोशिश है कि मैं बहुत अच्छे पढ़ लिख के एक अच्छा इंसान बनूं और अपने मुल्क कौम की खिदमत करूं। और उसके साथ फिर आप ये भी लिखते हैं कि मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे एक अच्छे अपने अजाइम यानी अपने जो मैंने अज़म किए इरादे हैं उसमें कामयाब करें। ये आपको, इसके अलावा मैं आपको ये हमने आज अपनी क्लास में आपको इसको ब्रीफ कर दिया है। अब आप इसको एक हम आपको होम एक्टिविटी दे रहे हैं यानी घर का काम दे रहे हैं, जो आपके सफ़ा नंबर 74 में है। आपको इसकी जो है पैराग्राफ बंदी कहते हैं इसको, यानी आपको नसर निगारी करनी है और इसी फॉर्मेट से करनी है। जजाक अल्लाह।